सुजुकी GSXR 1000 उन कुछ स्पेशल स्पोर्ट बाइक्स में से है जिनमें MotoGP बाइक वाली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूटेड शो और सुपर बाइक सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सुपर बाइक के बारे में जिसे 2004 की धूम में भी फीचर किया गया था। सो लेट्स बिगिन। अभी रिसेंटली ही सुजुकी ने MotoGP रेसिंग क्विट की है, लेकिन इससे पहले मोटरसाइकिल रेसिंग में सुजुकी का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। अपनी शुरुआत से ही सुजुकी बाइक्स ने नेशनल और इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 1984 में इन्हीं रेसिंग बाइक्स के बेस पर सुजुकी ने पब्लिक रोड के लिए अपनी पहली फुल्ली पैक स्पोर्ट बाइक GSXR 750 को डेवलप किया था। ट्विन स्पार एल्युमिनियम फ्रेम और 749cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन की 100 HP पावर के साथ ये बाइक अराउंड 225 km/h की टॉप स्पीड अचीव करती थी। मार्केट में ह्यूज सक्सेस के साथ ही GSXR ने डिफरेंट रेसिंग इवेंट्स में भी काफी सारे टाइटल्स जीते। A true race replica machine that single-handedly created a whole new category of performance sports bike. 1986 में सुजुकी ने इसे अपग्रेड करते हुए 1100cc इंजन वाली GSXR 1100 को लॉन्च किया। ये बाइक ज्यादा पावरफुल तो थी पर ज्यादा हैवी होने की वजह से इसमें फर्स्ट GSXR वाली बात नहीं थी। फिर 2001 में सुजुकी ने 998cc इंजन वाली GSXR 1000 को लॉन्च किया, जो 160 HP की मैसिव पावर के साथ शार्प हैंडलिंग और सुपर फास्ट परफॉर्मेंस देती थी। इसके बाद टाइम टू टाइम काफी सारे अपग्रेड के साथ सुजुकी GSXR 1000 लगातार इवॉल्व होती गई। सुजुकी ने अपने MotoGP रेसिंग के एक्सपीरियंस से डेवलप की गई टेक्नोलॉजी इस बाइक में यूज की है। GSXR 1000 को स्ट्रीट और ट्रैक पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बॉडी फेयरिंग एक्सटेंसिव विंड टनल टेस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, जो बेस्ट पॉसिबल एरोडायनेमिक्स से एयर ड्रैग को एफिशिएंटली मिनिमाइज करती है। इसमें लगा 999cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन 199 HP की मैक्सिमम पावर के साथ 117 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये बाइक मिनिमम 2.8 सेकंड्स में 0 से 100 km/h की स्पीड अचीव करने के साथ ही मोर देन 300 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है। बेस्ट रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए सुजुकी ने इसमें ड्राइव मोड सिलेक्टर का फीचर दिया है, जिससे राइडर मल्टीपल इंजन मैप्स में से अपने अकॉर्डिंग बेस्ट मोड चूज कर सकता है। इसके साथ ही बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, मोशन ट्रैक, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी लिफ्ट कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे रेस ट्रैक और पब्लिक रोड्स के लिए पूरी तरह केपेबल बनाते हैं। 2005 में वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप टाइटल, 2017 में आइल ऑफ मैन TT, मल्टीपल सुजुका 8 आवर्स एंड्योरेंस रेसेस और अमेरिकन सुपरबाइक रेसिंग में कई विक्ट्रीज के साथ GSXR 1000 ने रेसिंग वर्ल्ड में खुद को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर प्रूव किया है। सुजुकी GSXR 1000 2001 से ही भारतीय मार्केट में अवेलेबल है। 2004 की एक्शन मूवी धूम में भी इसे फीचर किया गया था। नई GSXR 1000 भारत में अराउंड 20 लाख की प्राइस पर अवेलेबल थी, लेकिन 2019 में 0 sales और फिर BS6 नॉर्म्स आ जाने के बाद सुजुकी ने इसे भारतीय मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया है। यूरोपियन मार्केट में भी सुजुकी ने अब तक GSXR 1000 के यूरो 5 वर्जन को लॉन्च नहीं किया है, यानी कि मोस्ट लाइकली 2024 में सुजुकी GSXR 1000 को कम्प्लीटली अपग्रेड करते हुए ऑल न्यू फॉर्म में लॉन्च करेगा। इस नए GSXR 1000 का डिजाइन कैसा होगा और सुजुकी इसमें कौन से नए फीचर्स ऐड करेगा, ये देखना आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2024 में इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने के साथ ही इस बाइक के भारतीय मार्केट में भी लॉन्च होने के चांसेस हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।
राइड सेफ टू राइड अगेन. सी यू इन द नेक्स्ट वन.